यात्रीगण कृपया ध्यान देंगे, चेन्नई एक्सप्रेस धड़धड़ाते हुए फाइनल में पहुंच गया है। आज मुंबई मेल अपनी रफ्तार दिखाने को बेताब है, तो लखनऊ एक्सप्रेस भी पूरी गति से दौड़ने की तैयारी में है। मुंबई मेल और लखनऊ एक्सप्रेस चेन्नई पहुंच चुका है, जहां दोनों में रेस लगेगी। आज इस रेस को जो भी जीतेगा उसे गुजरात एक्सप्रेस से फिर एक रेस लगानी होगी, तब जाकर चेन्नई एक्सप्रेस से रेस लगाने का अवसर मिलेगा। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं दुनिया के सबसे लोकप्रिय फ्रेंचाइजी लीग की बात कर रहा हूं। जी हां, चेन्नई की टीम फाइनल में पहुंच चुकी है, जबकि आज एलिमिनेटर में मुंबई के सामने लखनऊ की चुनौती है। गुजरात चेन्नई से हार गया है और वो क्वालिफायर टू के लिए इंतजार कर रहा है आज के विजेता का। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। आज से फ्रेंचाइजी लीग नॉकआउट दौर में पहुंच गया है और आज जो टीम हारेगी उसका सफर इस साल फ्रेंचाइजी लीग में यही खत्म हो जाएगा। आपको बता दूं कि पहले क्वालिफायर में चेन्नई ने गुजरात को आसानी से पराजित कर दिया, जबकि आज जो टीम जीतेगी वो एक बार फिर से गुजरात से भिड़ेगी और फिर उसका जो विजेता होगा उसे चेन्नई से खेलने का अवसर मिलेगा। अगर मंगलवार के मैच की बात करें तो चेन्नई ने बनाए तो 172 रन ही थे, जो इस फ्रेंचाइजी लीग के स्कोर को देखते हुए बहुत बड़ा नहीं कहा जा सकता, लेकिन मैच जैसे जैसे बड़ा होता जाता है छोटे स्कोर भी बड़े होते जाते हैं, और यही हुआ। गुजरात की टीम तमाम कोशिशों के बाद भी लक्ष्य हासिल नहीं कर सकी। 172 रन बनाए थे चेन्नई ने और जवाब में जो है गुजरात की टीम तमाम कोशिशों के बाद लक्ष्य से पीछे रह गई। अगर हम बात करें तो चेन्नई के लिए ऋतुराज गायकवाड़ ने जो 60 रनों की पारी खेली वो अंत में बेहद बेशकीमती और मैच विनिंग साबित हुई, और जो गुजरात की टीम है उसे एहसास हुआ होगा कि T20 क्रिकेट में नो बॉल कितना महंगा पड़ता है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ नो बॉल पर आउट हुए थे और फिर नो बॉल पे आउट होने के बाद जो उन्होंने पारी खेली वो बेमिसाल पारी थी। अंत में रविंद्र जडेजा ने एक बहुत ही उपयोगी पारी खेली और आप कह सकते हैं कि मैच जीतने में वो सहायक रही वो पारी। दूसरी तरफ अगर हम गुजरात की बात करें तो टीम पूरी तरह से शुभमन गिल पर आश्रित नजर अब आने लगी है, और ये किसी भी टीम के लिए अच्छी बात नहीं होती अगर आप किसी एक खिलाड़ी पर निर्भर करने लगते हैं, और शुभमन गिल के आउट होते ही गुजरात जो है उसकी सारी आशाएं खत्म हो गई, और अंत में राशिद खान के एक हेरोइक प्रयास के बावजूद जो है गुजरात की टीम लक्ष्य से पीछे छूट गई। खैर, जो आज का मैच है वो एलिमिनेटर है और ये बेहद महत्वपूर्ण मैच है मुंबई और लखनऊ के बीच में। अगर हम बात करें तो लखनऊ के फेवर में एक बात जाती है कि मुंबई के खिलाफ उसका क्लीन शीट है, मतलब उसने मुंबई से अब तक कोई मुकाबला नहीं हारा है। लेकिन अगर हम दोनों टीम की शक्तियों की तुलना करें तो मुंबई का पलड़ा भारी दिखता है, लेकिन मुकाबला बराबरी का होगा, क्योंकि अगर इस फ्रेंचाइजी लीग में अगर हम बात करें तो मुंबई जहां बेस्ट चेजिंग टीम है वहीं लखनऊ की टीम बेस्ट डिफेंडर है। तो यह दिलचस्प होगा कि टॉस जीतकर कौन सी टीम क्या फैसला लेती है। लेकिन जैसा कि हुआ कि चेन्नई के मैच में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम फायदे में रही, तो देखना है कि कप्तान दोनों टीमों का क्या फैसला लेते हैं टॉस जीतने के बाद। लेकिन अगर हम बात करें तो लखनऊ की टीम थोड़ी सी पिछड़ती दिख रही है, क्योंकि केएल राहुल चोटिल होकर बाहर हो चुके हैं, उनकी जगह कुणाल पांड्या टीम की कप्तानी कर रहे हैं। और अगर हम बात करें तो निकोलस पूरन और मार्कस स्टॉइनिस पर ही जो बैटिंग है वो लखनऊ की निर्भर करती हुई दिख रही है, और ऐसे में क्विंटन डिकॉक से एक बड़ी पारी की उम्मीद लखनऊ की टीम इस महत्वपूर्ण मुकाबले में कर रही होगी। अगर हम बात करें तो मार्कस स्टॉइनिस ने इस फ्रेंचाइजी लीग में लखनऊ के लिए सबसे ज्यादा रन
बनाए हैं, लेकिन अगर हम बैटिंग में दोनों टीमों की तुलना करें तो मुंबई जो है वे अहेड है, क्योंकि अगर आप शुरुआत से ही करें तो रोहित शर्मा, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, कैमरन ग्रीन, डेविड, तो तिलक वर्मा, नेहल ने अच्छी बल्लेबाजी की है, तो एक बहुत ही स्ट्रांग बैटिंग टीम जो है वो मुंबई की है। हालांकि गेंदबाजी उसकी थोड़ी कमजोर दिखी है इस फ्रेंचाइजी लीग में, जिसकी भरपाई जो है उनकी बल्लेबाजी ने की है। दूसरी तरफ अगर हम लखनऊ की गेंदबाजी की बात करें तो रवि बिश्नोई जो है उनके की गेंदबाज होंगे, की बॉलर होंगे, और उन्होंने ही जो पिछला मुकाबला मुंबई हारा था लखनऊ से, उसमें उन्होंने ही मैच का जो कॉम्प्लेक्शन है वो चेंज कर दिया था रवि बिश्नोई ने, और आज भी रवि बिश्नोई पर जो है वो लखनऊ की टीम बहुत कुछ निर्भर करेगी। चेन्नई में चूंकि ये मुकाबला होना है तो वहां की पिच जो है हो सकता है कि स्पिन फ्रेंडली हो, धीमी विकेट हो, तो ऐसे में स्पिनर्स जो है वो प्ले में आएंगे, तो रवि बिश्नोई, कुणाल पांड्या की जिम्मेदारी बड़ी होगी। दूसरी तरफ मुंबई की टीम में पीयूष चावला जो है वो अच्छी लय में दिख रहे हैं, तो कुल मिलाकर एक बेहद दिलचस्प और बराबरी वाले मुकाबले की हम सभी उम्मीद करते हैं। मुंबई या लखनऊ ये देखना होगा, लेकिन जो भी टीम जीतेगी उसे डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात से दो दो हाथ करना पड़ेगा क्वालिफायर टू में, और तब जाकर चेन्नई से मुलाकात होगी फाइनल में। तो दोनों टीमों को हमारी शुभकामनाएं, अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।